हे गाइस, वेलकम बैक। 21 अगस्त वो दिन था जब मैंने ये ट्वीट किया था और डिसाइड किया था कि मैं 30 डेज नो शेव चैलेंज करूंगा। अब ये चैलेंज मैं पहले भी एक बार ट्राई कर चुका हूँ, वो 5 मंथ नो शेव चैलेंज था और 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद मैं बिल्कुल हार मान चुका था और मैंने वो फेल हो गया था वो चैलेंज मेरा। अब मुझे ऐसे स्टूपिड चैलेंजेस कराना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इम्पेशेंट बंदा हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है, तो इंस्टेंटली ये चैलेंजेस शुरू करता हूँ मैं। लाइक मेरे मन में कोई चैलेंज आया ऐसा स्टूपिड सा और मेरा मन कहता है कि अभी से शुरू करते हैं बस। तो जब मैंने ये ट्वीट किया था ना, उस टाइम मेरा मूड कुछ ऐसा ही था। तो उस टाइम तो मैं कॉन्फिडेंट से भरा रहता हूँ कि हाँ मज़ा आएगा ये चैलेंज करने में, लेकिन इन द मिडल लाइक इसमें आफ्टर 15 डेज मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा पूरा पूरा मूड बन गया था शेव करने का। लाइक बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि ज़रूरत भी क्या है चैलेंज करने की, फालतू है, अच्छा नहीं लग रहा, शेव कर ले ये वो, बाद में फिर कभी देखेंगे जब फुल दाढ़ी आने लगेगी ये वो। मैं जैसे तैसे खींच खींच के इस दिन पे आ ही गया और लास्ट के जब 2-3 दिन रह जाते हैं ना चैलेंज के, बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ये सब बस 2-3 दिन में चला जाएगा। तो यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैं ऐसे चैलेंजेस ज़्यादा कंप्लीट कर नहीं पाता और इसका रीज़न यही है कि मेरी विल पावर बहुत कमज़ोर है ऐसे मामलों में जब मैं ऐसे स्टूपिड चैलेंजेस ले लेता हूँ तो। और यही एक रीज़न था कि मैंने ये चैलेंज लिया, क्योंकि मैं अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने बाल भी बढ़ा रहा हूँ। ये मैं अभी और बढ़ाने वाला हूँ, दिसंबर तक ले जाने वाला हूँ, क्योंकि दिसंबर में पूरा 1 साल हो जाएगा। एनीवेज अगर हम लोग बियर्ड की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, स्टिल नॉट मेच्योर इनफ। बट अगर मैं अपनी बियर्ड को कुछ महीनों पहले से कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेयर वगैरह नहीं आते थे पहले, लेकिन अब यहाँ पर हेयर हैं और बाप रे नीचे तो पूरा जंगल हो रखा है। ये नीचे वाली साइड इतनी मेच्योर हो गई ना, इसका रीज़न एक ये भी है कि मैंने अपनी बियर्ड को ना कभी मेच्योर होने का मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं शेव कर लेता था लाइक 2 दिन के अंदर अंदर, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरे चेहरे पे बाल रखना, तो इसीलिए इस बेचारे को टाइम ही नहीं मिला बढ़ने का। तो ये जो मैंने 2 चैलेंजेस करे हैं ना और कभी कभार 3-4 दिन बाद शेव करी है, उस बीच इसे थोड़ा मैच्योर होने का मौका मिला था, तब जाके ये ऐसी है। अब मैं दोबारा ये कोई नो शेव चैलेंज नहीं लेने वाला, अब मैं सीधा तभी ऐसा कोई चैलेंज करूंगा जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगी। और पर्सनली बताऊं तो मुझे अपने आप को बियर्ड में देखना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस बार जो बियर्ड आई है ना वो फिर भी ठीक है। आई मीन थोड़ी सी ग्रोन है, थोड़ी सी मैच्योर है, तो सही लग रहा है, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। एनीवेज अब बारी है शेव करने की, जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं बिकॉज ऊपर धूप है और आराम से तसल्ली से बैठ के मैं शेव कर पाऊंगा। उसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम के लिए 2 पिक्चर्स भी लेनी है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, राइट? वैसे भी इंस्टाग्राम पे फोटोज डालने के मेरे को यही बहाने मिलते हैं। ट्रिमर की जरूरत नहीं है, हम सीधा अपना रेजर ही ले लेते हैं। कहाँ पे है भाई, हालत देखो जरा क्या हो रखा है, ये रहा कोने में छुपा बैठा है। ये हैं कल के लेफ्ट ओवर्स, अगर चावल हैं तो मैं ज़रूर खाऊंगा, वरना मैं स्किप कर देता हूँ मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है। ओके okay, कैमरा सेट हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, शेविंग करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 फोटोज़ खींच लें। मैं ऊपर इसलिए आया क्योंकि ना ऊपर धूप है, अच्छी लाइटनिंग मिल जाएगी फ़ोटो के लिए। पता नहीं है मेरे बाल जो हैं ये घुंघराले क्यों हैं, नीचे आके घुंघराले से हो जाते हैं, फिर इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे घटिया चीज़ लगती है ये, स्ट्रेट नहीं रह सकते, मेरे को वो चोचले नहीं करने, वो गरम करके सीधे करने वाले। मतलब मैं उन बंदों में से हूँ कि सिंपल तरीकों से काम बन जाए तो ठीक है, ज़्यादा चोचले ना करने पड़े। भाई आँखों से तो मैं डेड लग रहा हूँ बिल्कुल। हाँ 10-12 फोटो खींच ली मैंने, अब उनमें से एक सेलेक्ट करके डाल दूँगा। ऐसा ही करता हर कोई, ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ। फटाफट हम लोग शेव मार लेते हैं अब। मेरे चिन के बाल इतने ज्यादा है ना, पूछो मत भाई साहब। सेंटा क्लॉस लग रहा हूं मैं। ऑल राइट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है मुझे पहले ट्रिम करना चाहिए था, उसके बाद मेरे को शेव करनी चाहिए थी। या मुझे पहले ट्रिम ही करना चाहिए था, बहुत सारे बाल हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे शेव करता नहीं हूँ ना, इसीलिए इस गलती को मैं माफ कर सकता हूँ।
ये ना मॉडर्न जमाने का रेजर है, अगर मैं देसी वाले रेजर से करता ना जिसमें सिर्फ एक सिंगल ब्लेड होता है तो और भी आराम से हो जाता। क्या आधी अधूरी शेव हुई है, अभी भी बहुत सारे बाल हैं। देखा कैसे अचानक से बच्चा बन गया मैं। ऑल राइट, शेविंग कंप्लीट, अब एक दो फोटोज ले लेते हैं। अब मैंने क्योंकि अपनी बियर्ड हटा दी तो ये लंबे बाल और भी सूट कर रहे हैं। डैम, सही बताऊँ तो बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बोझ सा चला गया। सो बियर्ड बियर्ड नो बियर्ड, इतना कुछ खास फर्क नहीं है क्योंकि बियर्ड मैच्योर नहीं थी। नीचे नीचे की थी बस मैच्योर। अब ये सामान उठा के नीचे चलते हैं। सच में बिल्कुल बच्चा लग रहा हूँ मैं। तो प्लान ये है कि जो ये वाले हिस्से हैं जो मैच्योर नहीं हैं अभी, उनको मैं थोड़ा टाइम दूंगा बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए, और जब फुली मैच्योर्ड बियर्ड आएगी ना वो रखूँगा और उसके बाद एक और नो शेव चैलेंज करेंगे। बाकी आज की ये वीडियो इतनी ही थी। आप लोगों का इस वीडियो को लेके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं चला मेरे को वीडियोस बनानी है। गुड बाय।